हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक्निकल आसिक में। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो व्हाट्सएप यूज करते हो तो उसका जो वॉलपेपर है उसमें आप अपना या तो फिर किसी का भी फोटो आप कैसे सेव करोगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलो मेरे मोबाइल से मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको वॉलपेपर सेव करना है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल पर आ गया हूँ। तो जो मोबाइल का जो आपको आने के बाद आपको ऐसा जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये देखने के लिए आपको सबसे पहला जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, तो उस लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसमें जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो। करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड का ऑप्शन मैं जाता हूँ। जो डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक पेज ओपन होके आएगा, तो उसके थोड़ा स्क्रॉल करो। करने के बाद आपको डाउनलोड FM व्हाट्सएप जो है इसको आप डाउनलोड करो। करने के बाद आपको मैं तो मेरा तो डाउनलोड है, आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लेना। करने के बाद चलो मैं अपना जो पुराने वाला व्हाट्सएप पे जाता हूँ, तो पुराने वाला व्हाट्सएप पे जाने के बाद अब चलो मैं पुराने वाला व्हाट्सएप पे चल जाता हूँ। तो पुराना वाला जो व्हाट्सएप है मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप थ्री डॉट में जाओ। जाने के बाद आप सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाने के बाद आपको चैट वाला जो सेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसमें जाओ। जाने के बाद आपको एक बैकअप कर लेना है, चैट बैकअप जो देखने को मिल रहा है उसमें आप जाओ। जाने के बाद आप चैट बैकअप कर लो, 100% हो जाने के बाद आप बैक आ जाओ। आ जाने के बाद आप जो FM व्हाट्सएप जो आप डाउनलोड किए तो उसको इंस्टॉल कर लो। करने के बाद आप उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप रिस्टोर करो। रिस्टोर के बाद आपको नंबर देने बोलेगा, तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। चलो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ। तो उसके बाद अपना नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP खुद ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा अगर आपका फ़ोन पे रहता है तो। अगर दूसरा फ़ोन पे रहता है तो आपको OTP डालना पड़ेगा। तो चलो जब तक OTP नहीं आता है मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। उसके बाद ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो उस पर जाने के बाद आप जो प्लस वाला आइकॉन देखने को मिला है तो उसमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ थीम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस थीम वाला ऑप्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो वॉलपेपर देखने को मिलेगा, ये खुद का जो FM वाला व्हाट्सअप का है, ये खुद का व्हाट्सअप का ही है। अगर आप खुद का देना चाहते हो तो आप ये जो ऑनलाइन वाला है तो इसमें जाओ, इसमें नहीं जाना पड़ेगा आपको, बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद आप जो लोकल वाला देखने को मिल रहा है तो इसमें क्लिक करो। ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो ये थीम वाला ऑप्शन जो है इसमें जाने के से पहले आपको नीचे इसका नीचे जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो पेंट वाला, तो उसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कलर और एडिट और कलर वाला जो ऑप्शन देखने को मिला है तो आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है तो उसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो चूज करने वाले बोलेगा, तो मैं मेरे गैलरी पे मेरा फ़ोटो है तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप ऊपर वाले जो सेव वाले बटन है तो उसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको फिर से सेव वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको एक थीम का नाम देना पड़ेगा, तो आप कोई भी नाम दे देना, मेरा कोई भी नाम नहीं दे मैं देता हूँ तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो चलो के बाद ये देखो मेरा सेव हो गया है। अगर आप भी कोई सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं इसी तरह का रोज़ाना नए ट्रिक और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।